अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली तो कैसी हैं आप सब उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे और आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी डेली रूटीन विंटर्स में हमारी क्या रूटीन होती है तो विंटर्स में जैसा कि जब विंटर का ज़िक्र हो तो हमारे यहाँ फ़िश तो बहुत ज़्यादा बनती है वैसे तो फ़िश बहुत हेल्दी चीज़ होती है हमारे घरों में मोर ऑफ़न बननी चाहिए लेकिन फ़िश जो है वो हम लोग ज़्यादातर हमारे घरों में पाकिस्तान में विंटर्स में ही बन रही होती है और फ़िश के साथ चावल बहुत अच्छे लगते हैं मुझे वैसे तो फ़िश हम लोग ऐसे ही खाते हैं लेकिन फ़िश के साथ को रोटी के साथ तो नहीं खाया जा सकता तो साथ में हम चावल मैंने सोचा कि मैं बना लेती हूँ और फ़िश जो है वो बाहर से आई थी घर में नहीं बनाई गई थी घर में बनी हुई फ़िश बहुत मज़े की होती है लेकिन ये भी बहुत मज़े की थी लेकिन घर में बनी हुई ज़्यादा अच्छी होती है लेकिन अभी ये बाहर से फ़िश आई थी तो मैंने सोचा कि चलो साथ में मैं बना लेती हूँ राइस और सर्दियों में बहुत मज़े मज़े की चीज़ें होती हैं फ़िश जैसे कि हम सब घर वालों को फ़िश बहुत ज़्यादा पसंद है बच्चे भी बहुत शौक से खा लेते हैं और उसके अलावा हेल्दी भी होती है तो ये सुकून होता है कि कोई चीज़ ऐसी है कि जो बच्चे हेल्दी भी है और बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं तो बहुत दिल को सुकून होता है और उसके अलावा सूप मैंने आज बनाया था उसकी वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई ये जो मैं अभी बना रही हूँ ये एक दिन पहले की वीडियो है और आ, जो मैंने सूप बनाया था उसकी वीडियो नहीं शूट कर पाई क्योंकि बच्चे घर पे थे तो जब बच्चे घर हो ना तो वीडियो शूट करना बहुत मेरे लिए मुश्किल हो जाता है तो मैं थोड़ा सा वैसे अभी इस दिन भी बच्चे जब मैंने ये फिश बनाई थी उस दिन भी घर पे ही थी क्योंकि एक वीक से बच्चों की ऑटम ब्रेक चल रही है चल रही थी तो अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गई है कल से बच्चों ने स्कूल जाना है तो आ, फिर ये कि सुकून होगा तो फिर मैं आराम से अपनी वीडियो शूट कर सकती हूँ और उसके अलावा सूप मैंने बनाया था बहुत ही मज़े का बना था लेकिन उसकी वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई और विंटर्स में लोग कहते हैं कि भूख इतनी ज़्यादा लगती है तो विंटर्स में हमारा वेट गेन हो जाता है वेट विंटर्स में कम करना तो बहुत ही मुश्किल बात है लेकिन एक मैं आपको बताऊँ कि अगर हम सही तरीके से विंटर्स में खाना खाएं ना तो विंटर्स में वज़न कम करना आसान होता है वो इस वजह से क्योंकि विंटर्स में एक तो दिन छोटे होते हैं और हम अपने जो ईटिंग जो विंडो है ना उसको कम कर करके फास्टिंग करके तो अपनी दो टाइम का खाना खा सकते हैं तो उसमें अब दो टाइम का खाना खाएं तो फिर हमें भूख कम लगेगी और इसके अलावा एक जो मेन बड़ी वजह होती है वो होती है कि हम लोग विंटर्स में पानी कम पी रहे होते हैं तो अगर हम अपना वाटर इनटेक जो है वो बढ़ा दें तो उससे ये कि हम जो है वो काफ़ी देर तक हमें भूख नहीं लगेगी और ऐसे होता है कि पानी जो है ना वो पीने का दिल नहीं करता तो आप ऐसा करें कि ये डिटॉक्स वाटर बना लें इसमें मैं काफ़ी दिन से मैं ये पी रही हूँ इसमें आप एक अदद खीरा डालें लेमन डालें दो तीन ये नींबू हमारे छत पे लगे हुए हैं तो मैंने छत से ही तोड़ के लाई थी तो वो मैंने इसमें डाले हैं और उसके अलावा अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा इसमें डाला है बस इसको मैं रात को बना के रख दूँगी और सारा दिन सुबह मैं ये पानी पीऊँगी और जब ये पानी ख़त्म हो जाता है ये कम ही पानी है तो पानी मैं इसमें मज़ीद और ऐड कर देती हूँ तो ये ट्वेंटी फ़ोर आवर्स तक मैं इसको पानी को रखती हूँ फिर उसके बाद मैं इसको नया में बनाती हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम के लिए आप इसको रखें तो फिर वो उसकी अजीब सी आ, स्मेल हो जाती है तो बस यहाँ पे साथ में मैंने चावल बना लिए थे और हमारी फिश भी आ गई थी और साथ में सैलड वग़ैरह मैंने बना लिया था फिक्स जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सर्दियों में हमें ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस हों और फिलिंग हो तो अंडे जो है ना वो हमारे विंटर्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं तो अंडे जो है वो घर में होना बहुत ज़रूरी है फ्रिज में आपके घर में अंडे पड़े हुए होना तो आपको आ, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती अंडे पड़े हुए हो और साथ में आटा जो है वो गूँद के हमने रखा होता है तो आ, जब भी भूख लगे तो इंसान रोटी और अंडा तो बना के खा ही सकता है और अभी मैंने जो चावल बनाए थे ना तो उसका पानी जो है वो मैं इसको फेंकती नहीं हूँ जो मैं दो तीन दफ़ा चावल धोती हूँ फिर उसके बाद जो उसको चावल भिगो के रखती हूँ तो वो वाला पानी जो है मैं इसको फेंकती नहीं हूँ उस पानी को मैं हाफ़ पानी को मैं इसमें ये एलोवेरा जेल मिक्स करके और इसमें मैं ये आइस क्यूब ट्रे में डाल के फ्रीज़ कर दूँगी और हाफ जो पानी बचा था उसको मैं किसी कंटेनर में डाल के मैं फ्रिज में रख दूँगी तो वो एक दो दिन बाद वो थोड़ा सा फरमेंट हो जाता है तो उसके बेनिफिट्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उससे मैं अपने फेस को वॉश करूँगी और ये आइस क्यूब्स जो हैं इनको भी मैं सुबह उठने के बाद फिर इसको एक आइस क्यूब लेकर आप अपने फेस के ऊपर इसको अच्छे से रब करें तो इससे स्किन बहुत ही फ्रेश और हेल्दी रहती है और ये चंद बातें जो मैं ख़ुद फॉलो कर रही हूँ और मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर की हैं कि किस तरह से विंटर्स में हम आसानी से अपना वेट जो है वो मेंटेन भी कर सकते हैं और इस डाइट प्लान को फॉलो करते हुए आप कम भी कर सकते हैं वो है इंटरमीडियट फ़ास्टिंग के ज़रिए इंटरमीडियन फ़ास्टिंग बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है इसमें आप लोगों ने दो टाइम खाना खाना होता है दो टाइम नहीं आप तीन टाइम भी खा सकते हैं लेकिन आपकी जो ईटिंग विंडो है ना उसमें आपने सिक्सटीन आवर जो है ना वो कम से कम सिक्सटीन घंटे का वो आपका फ़ास्ट होना चाहिए और एट घंटे आप उसमें खा पी सकते हैं लेकिन आप इसको मज़ीद कम भी कर सकते हैं जितना कम करेंगे उतना ही वो फ़ायदेमंद है लेकिन आपने सिक्सटीन और एट से ही स्टार्ट करना है इससे आप स्टार्ट करने करेंगे तो आपके लिए इसको फॉलो करना आसान होगा और फिर पहले कुछ दिन तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा इसको फॉलो करना तो इसमें आपको आसान बनाने के लिए आपने ये अपना डिटॉक्स वाटर यूज़ करें और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए तो आपकी बॉडी को एक वीक लगेगा तो आपकी बॉडी जो है ना इस लाइफ के लिए लाइफ स्टाइल से आदत हो जाएगी तो इसमें आपने ऐसा करना है कि आपने जैसा बारह एक बजे आप खाना खा लें फिर उसके बाद आप पार शाम पाँच छः बजे खाना खा लें तो अगर आप चाहती हैं तो बारह बजे आप खाना खाएँ फिर शाम को चार बजे खाएँ फिर उसके दिन को चार बजे खाएं फिर उसके बाद आप रात को आठ बजे भी खा सकती हैं थोड़ा थोड़ा लेकिन मैं ऐसा करती हूँ कि मैं दो टाइम ही प्रेफ़र करती हूँ आ, उसमें यह कि बीच में जितना ज़्यादा खाने में फ़ासला होगा पाँच घंटे का फ़ासला अगर खाने के बीच में हो तो वो बहुत अच्छा होता है उसमें यह कि के, के जो इंसुलिन लेवल्स हैं ना उनको रेगुलेट करने में मदद मिलती है तो आपकी ब्लड ब्लड शुगर जो है वो जितनी ज़्यादा स्पाइक हो उतना ही वेट लॉस मुश्किल हो जाता है तो इसलिए आ, मैं जो है वो दो टाइम खाती हूँ और इसमें ये है कि मेरा जो दिल करता है मैं वो खा लेती हूँ अगर तीन टाइम खाओ तो फिर आपको थोड़ा सा कैलोरीज का ध्यान रखना पड़ता है और थोड़ा कम खाना पड़ता है तो मैं दो टाइम खा लेती हूँ थोड़ा ज़्यादा खा लेती हूँ लेकिन मैं दो टाइम खा लेती हूँ तो उसमें मैं सबसे पहले जो रूल है उसमें खाने का उसमें मैं सब कुछ इंजॉय करती हूँ तो उसका रूल ये है कि सबसे पहले आप अपना दो गिलास पानी पी लें फिर उसके बाद आपने अपना ज़्यादा सारा सैलड खाना है यानी कि फ़ाइबर जितना ज़्यादा फाइबर हो, होता है उसमें वाइटामस भी होते हैं वो सबसे पहले आप खा लें फिर उसके बाद आप अपना प्रोटीन का पोर्शन खा लें जिस तरह अभी ये फ़िश है मैं फ़िश खा लूँगी फिर उसके बाद एंड पे आपने खाने हैं अपने काप्स यानी कि राइस राइस खा लें या रोटी खा लें वो आपकी अपनी मर्जी है तो वैसे उस तरह से ये है कि आप जो है ना इंसुलिन को अपने रेगुलेट कर सकते हैं इस तरह से इंसुलिन स्पाइक नहीं होती राइस की तो राइस को या काप्स को खा को बिल्कुल स्किप आपने नहीं करना आपको स्किप करने की रोटी चावल छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप वो ये है कि हमने अपने आप को एक्टिव रखना है और जितना ज़्यादा हम अपने आप को एक्टिव रखेंगे हमारा उतना ही ध्यान जो है ना वो खाने की तरफ से दूर जाएगा एक्चुअली जब भी हम लोग बोर हो रहे होते हैं ना तो हमारा ध्यान जो है वो सिर्फ खाने की तरफ ही जाता है मेरा तो ऐसा ही होता है आप लोगों के साथ कैसे ऐसे होता है कि नहीं आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा मैं जब भी बोर हो रही होती है ना तो मेरा ध्यान खाने की तरफ ही जाता है तो आपने जब भी आपको भूख लगे आपने एक गिलास पानी पी लेना है और फिर ज़्यादा जाद ज़्यादा आपका दिल करे तो वैसे विंटर्स में ये कि हमें कुछ गरम गरम चीज़ें या चाय हम लोग बहुत ज़्यादा पीते हैं तो चाय की जगह पर आप ग्रीन टी पी लें तो वो चाय की क्रेविंग जो है ना वो थोड़ी हमारी कम हो जाती है तो वो एक जो बात ही कि हम अपने आप को एक्टिव रखें तो कोई ना कोई जो है ना वो काम हम लोगों को निकाल लेना चाहिए तो हम लोग के औरतों के साथ मसला ये बहुत बड़ा होता है कि हम डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाती हैं हम लोगों के दिमाग में बहुत सारे काम चल रहे होते हैं ये करना है वो करना है और कर भी कुछ भी नहीं पाते तो इसका ये सबसे आसान हल ये है कि एक काम आप अपना अपने स्केजल में लिख लें कि पूरे दिन में ये काम जो है ना चाहे अगर वो छोटा है तो आप कुछ दो चार काम ज़्यादा लिख लें अगर वो बड़ा काम है तो आप जिस तरह आज मैंने अपनी अलमारी सेट करनी है तो वो एक काम आप अपना जो है वो रख लें तो बस आप एक काम भी वो सही तरीके से कर लेंगे ना तो आपको बहुत सुकून मिलेगा तो जैसा कि यहाँ पे भी मैंने ये स्प्रे पेंट मैंने ऑनलाइन दराज से मंगवाया हुआ था गोल्ड कलर में तो मैंने ये किसी और मकसद के लिए मंगवाया था लेकिन अभी मैं ये मकसद अपना मेरे जहन में ये काम आया तो ये मैं करने शुरू हो गई कि मेरे पास ये एक बहुत प्यारा सा गिलास था तो उसको मैंने पेंट किया और उसमें मैं बी डाल रही हूँ मिट्टी और उसमें मैं लगा रही हूँ मनी प्लांट और इसको मैं अपने रखूँगी वॉशरूम में और प्यारा तो ये बहुत लग रहा था बट आई एम नॉट श्योर कि ये वहाँ ग्रो कर पाएगा कि नहीं क्योंकि वहाँ पे रोशनी वगैरह कम जाती है और धूप तो बिल्कुल भी नहीं लगती लेकिन मनी प्लांट इनडोर ग्रो कर जाता है तो अगर वो ग्रो कर गया तो ठीक है वरना मैं इसको कहीं और रख दूँगी तो ये मेरी स्टेयर्स पे काफ़ी सारा मनी प्लांट लगा हुआ है मनी प्लांट तो हमने काफ़ी सारी जगहों पे लगाया हुआ है तो इसको मैं यहाँ से कट करूँगी और ये मनी प्लांट बहुत ही अच्छा ग्रो करता है और इसको आप जिस तरह से अभी आप स्टेयर्स पर देख सकते हैं ना तो ये ग्रो करता जाएगा तो मैं इसको ऊपर की तरफ़ ये जो लगी हुई ये ग्रिल्स सी इसके ऊपर चढ़ाती जाऊँगी तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा और यहाँ से मैंने एक दो तीन स्टेम जो है ना इसके काट लिए हैं और उसको मैं लगा दूँगी ग्लास के अंदर और फिर मैं इसको रख दूँगी अपने वॉशरूम में शेल्फ़ के ऊपर रख दूँगी तो इस तरह के छोटे मोटे कामों से ना मेरा ध्यान जो है वो बड़ा अच्छा बटा रहता है और बच्चे भी देख के बड़ा खुश हो रहे थे कि ये मामा क्या कर रही हैं तो इस तरह से बच्चों को भी ना पॉजिटिव उनको ना पॉजिटिव उन पे इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे भी देखते हैं तो उनमें भी शौक पैदा होता है इस तरह प्लांट्स वगैरह लगाने का तो जिस तरह मैंने बताया कि हम औरतें बड़ी जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं तो एक काम जो है ना आपने सेलेक्ट कर लेना है तो जिस तरह मैंने अभी ये सोचा था तो मैंने अभी ये काम एक कर लिया है और जिस तरह से आपने अपने इसकेजल में सोचा होना तो कि आ, कि मैंने एक काम करना है तो वो जब आप काम कर लेती हैं तो बड़ा सुकून मिलता है कि हाँ मैंने आज ये जो काम सोचा था वो मैंने कर लिया है तो आ, बस परफेक्शन की तरफ ना जाएं बस थोड़ा थोड़ा जो है वो आप काम करें और आज मैंने आपको अपनी वीडियो में काफ़ी सारे अपने वेट लॉस और वेट को मेंटेन करने के हवाले से काफ़ी सारे मैंने आपको आइडियाज़ दिए हैं तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग डिनर कर रहे थे तो डिनर में मैंने ये बच्चों को सैंडविचेस बना के दिए थे मैंने ये कबाब मैंने बना के फ्रीज किए हुए थे तो ये आ, बहुत अच्छा होता है कि अगर कुछ भी ना हो तो बस कबाब निकाले उसको थोड़ा सा डीफ्रॉस्ट किया और बस इसको फ्राई करके और बच्चों को सैंडविचेस बना के दे लो बहुत ही मज़े के बच्चों को लगते हैं तो बस मैंने ब्रेड वगैरह नहीं ली थी अगर आप ब्रेड लेना चाहें तो ले भी सकते हैं तो बस मैंने दो कबाब ली और उसके अंदर चीज़ लगाई और बस ये मेरा हेल्दी सा आ, डिनर रेडी हो गया था तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो अगर आपको मेरे आ, वीडियो अच्छी लगी है मेरी आपको आइडियाज़ अच्छे लगे हैं तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है और मज़ीद इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे तो मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ